वैसे हर नए पहाड़ को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, पर इस बार की खुशी कुछ अलग थी। अभी हम इस वैली में ढंग से एंटर भी नहीं हुए थे, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र कुछ अलग होने वाला है। ये हमारे सफ़र का दूसरा दिन था और पिछली रात हमारी काफ़ी आराम से कटी, और इस सुबह की शुरुआत हमने चाय और मैगी के साथ करी। वैसे तो हम सभी पहाड़ों में पले बड़े हैं, लेकिन ये हमारे सोहित और सुमित भाई का ऑफिशियली पहला ट्रैक था। आज का कहाँ तक का प्लान है भाई? हम आज यहाँ से निकलेंगे, तालुका से आगे बढ़ चुके हैं 3 किलोमीटर। आज हम यहाँ से आगे निकले, सीमा पहुँच गए थे, आज कलकत्ती धार के ऊपर है। चलो ये दिन हमारा ट्रैक होगा सीधे हरकीपुर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया वैली में हम एंटर करते जा रहे हैं। उसका नाम है भैया हरकीदून वैली। तो जो ये हरकीदून वैली है, इसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि यही वैली है वो जिससे पांडव स्वर्ग तक गए थे। भाई ये देखो, ये पुल था और पुल बह गया पूरा। अब कैसे जाते हैं उधर लोग? अब भाई मतलब अब डुंगाट से होके जाते हैं लोग। हाँ, इधर से अब रास्ता नहीं रहा, यूपी पुल था वो बह गया, इसलिए आ रहे हैं 2020 में। गंगाड़ पहुँचने वाले हैं, और गंगाड़ से थोड़ा ही 1-8 किलोमीटर पीछे हम यहाँ बैठे हैं एक छोटे से टी ब्रेक के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी शेड मिली है, तो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकेंगे और बढ़िया चाय पी के निकलते हैं फिर दोबारा गंगाड़ के लिए। ये देखो भाई उड़ा रहा, ये हमारा टूटका करते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना, इसमें होती है गुफा, यहाँ बकरी वाले जब बारिश होती तो रहते हैं शायद, मेरे को जिस अंदाज मेरे को ना, और तो पता नहीं मुझे, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, और हम ही रहे हैं यहाँ, बहुत गर्म है यहाँ, मतलब क्या बताऊँ। यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं अभी, हम गंगाड़ गांव में जाएंगे, हम गंगाड़ गांव के साइड से होते हुए अपना ट्रैक करेंगे,
हल्की धून के लिए। तो थोड़ा आया के जाके हम अपना थोड़ी देर बैठेंगे, खाना खुना बनाएंगे, उसके बाद दोबारा निकलेंगे हम कलकत्ती धार के लिए। तो अभी का ये प्लान है, फिर बताते हैं आपको क्या होता है आगे, तब तक आप नज़ारे कर। एक्सट्रीम, यहाँ कवि का एक्सट्रीम से ये अभिप्राय है कि ना सुबह से बारिश रुकी है और ना ही हम। तो गंगाट से कुछ किलोमीटर आगे निकलने के बाद हमें एक रेन बसेरा मिलता है। तो रेन बसेरा बेसिकली एक टाइप का शेल्टर होता है जहाँ पर गांव के लोग रुकते हैं भारी बारिश होने पर। तो हम भी कुछ देर वहाँ पर रुके, अपना बढ़िया खाना पीना बनाया, और खाना जैसे ही हम अपना ख़त्म करते हैं वैसे ही गांव की कुछ औरतें वहाँ पहुँचती हैं। तो कुछ देर हम उनसे बढ़िया बातचीत करते हैं और वो अपने गांव में भी हमें इनवाइट करती हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि अभी हमें आगे निकलना है, और इसी नोट के साथ हम वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई जी, आज का प्लान तो ऐसा था कुछ कि हम कलकत्ती धार पार करने वाले थे, पर ज़्यादा बारिश के कारण हम यहीं रुक गए हैं ओसला गांव के नीचे। यहाँ पे गेस्ट हाउस है। किसका गेस्ट हाउस है भाई? बटवाल मंडल का गेस्ट हाउस है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस है, क्या बताएं आपको, मज़ा आ गया मतलब गेस्ट हाउस देख के। तो भैया चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत फोटो वाटो खिंचाते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई जी, अगर फोटोज़ देखनी है तो जाके मैंने इंस्टाग्राम पे चेक कर लो। इसके बाद हमने अपनी बढ़िया आग जलाई और मस्त खाना पीना खाने के बाद सीधा निकले अपने स्लीपिंग बैग की तरफ। और हाँ, इस बार बादल कम थे इसलिए तुम तारे भी देख लो। तो भाई जी, इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अर्की दून के आखिरी एपिसोड में। और तब तक के लिए बढ़िया अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहो, और 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से करो।